नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय एक खबर जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है और वो है रेवंत रेवन्ना का। उन्होंने देखिए सेक्स स्कैंडल में वो फंस चुके हैं और इसे ले करके वो तमाम जो विपक्ष है उनके ऊपर कई तरीके से आरोप लगा रखे हैं और इसी को लेकर के आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधा साधा आरोप लगाया है कि कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई किस तरीके से वो जाते हैं भरी सभा में और उनके लिए वोट मांगते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। और उन्होंने कहा और भी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो रेवंत रेवन्ना ने किया है वो कोई सेक्स स्कैंडल नहीं है बल्कि वो मास रेप है। ये बहुत ही बड़ी बात की है, कही है राहुल गांधी ने। और जिसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस तरीके से कर्नाटक में कोई पहला मामला नहीं है, यहाँ पर बहन बेटियों के साथ ही हमेशा लगभग होते रहता है और इस पर जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा से चुप्पी साधती रहती है। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि और कहीं भी अगर इस तरह की अगर घटना होती है तो वो तुरंत से यहाँ पर मुद्दा उठा देते हैं, मुद्दा बना देते हैं, अगर नहीं भी कुछ हुआ हो तो उनका मुद्दा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हकीकत में हुई है, जो चीज़ें सच में हुई है, उसे लेकर के वो चुप्पी साध रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं जिन्होंने मास रेप किया है यानी अब दुष्कर्म किया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस तरीके से उन्होंने जो रेप किया है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो भाग जाए और उन्हीं के लिए इस तरीके से वो वोट मांग रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। और पार्टी के और भी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए इससे लेकर के कि उनके जो मुखिया हैं वो जा कर के लोगों से भरी सभा में उस रेपिस्ट के लिए यहाँ पर वोट मांगते हैं, उसे दुष्कर्म के लिए वोट मांगते हैं। राहुल गांधी का सीधा साधी आरोप राहुल गांधी ने लगाया। पहले आप ये वीडियो देखिए, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरे दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया, ये उनकी गारंटी है। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर रेवंत रेवन्ना पर यहाँ पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेर रहे हैं। वो सीधा साधा जो आरोप है वो प्रधानमंत्री मोदी पर गढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत